वेरी वेरी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम इन मैथ्स चैनल। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक ज्योमेट्री का कंसेप्ट, और उसमें हमने बिल्कुल इनिशियल ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल की तरफ चलना मूव कर दिया है। हमने पहले लाइंस के बारे में पढ़ा था, लाइंस के टाइप्स पढ़े थे, उसके बाद ट्राइंगल पढ़ा था, ट्राइंगल के क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और फिर उसके बाद मीडियन क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है, और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सब मैंने आपको कराए हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, इन पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे जिस टाइप से भी, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिए हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल व्हेन टू लाइंस intersect to each other when two line intersect to each other then four angle form जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर चार एंगल बनते हैं एंड देयर अपोजिट एंगल इज एंड देयर अपोजिट एंगल आर इक्वल, और उनके जो अपोजिट एंगल रहते हैं वो कैसे रहते हैं? इक्वल। कैसे रहते हैं? इक्वल। Vertically opposite angle when two line intersect to each other then four angles form are form and their opposite angles are equal। यहाँ पर मैंने दो लाइन ली, these are two line, जब इन दोनों लाइन ने intersect करा इस पॉइंट पर, intersecting point O, AB एक लाइन है, this is CD लाइन, AB and CD are two intersecting line and four intersecting point R O. Then four angles are formed 1, 2, 3, 4. यहाँ पर कितने angle बने हैं? 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पर जो इनके opposite angle हैं, ये जो opposite angle है, angle 1 और angle 3. Angle 1 किसके equal हो जाएगा? Angle 3 के. और angle 2 किसके equal होगा? Angle 4 के. अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल कैसे रहते हैं? इक्वल। उनके अपोजिट एंगल कैसे रहते हैं? इक्वल। जैसे एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा और एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएगा। तो ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को आप अच्छे से याद कर लेंगे, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन फोर एंगल फॉर्म and their opposite angles are equal, और उनके opposite angle equal होते हैं। देखिए, तो vertically opposite angle आपको clear हो गया होगा। यहाँ पर question देखिए, अगर मैं triangle की हमारा चल रहा था, अगर triangle पे मैं बात करूँ, x, y and 50. Find the value of x and y. We have to find the value of x and y. यहाँ पर मुझे किसकी value find करनी है? X की और y की value मुझे इसमें find करनी है. This is the question. इस question में देखिए, यहाँ एक लाइन ये है और एक लाइन ये है,
तो यहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 60। y इक्वल्स टू 60 डिग्री, यहाँ पर मैं लिख दूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। y की वैल्यू 60 होगी क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर y की वैल्यू मैंने कितनी फाइंड कर ली है, 60। अब मेरे पास y की वैल्यू भी है, 50 है, और x है। तो अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इस ट्राइंगल के तीनों जो इंटीरियर एंगल है उसमें एंगलसन प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। x प्लस वाई प्लस 50, x y और 50 इक्वल्स टू कितना, 180। यहाँ पर लिख दूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर देखिए x ऐसे रखना है, y की वैल्यू कितनी है, 60 प्लस 50 इक्वल्स टू 180, x प्लस 110 इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 माइनस 110, x इक्वल्स टू 70 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 70 डिग्री। x की वैल्यू आ गई है 70 डिग्री। तो कैसे हमने इस क्वेश्चन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करा है, एक तो हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज़ करा है, देन मेरे पास जब y की वैल्यू आ गई थी तो उसके बाद मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, x की। तो अब x की और y की वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड कर ली, x की वैल्यू है 70, y की वैल्यू है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल बनाया, एक्स वाई जेड, यहाँ पर 70, 50 और 60। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। वाई वर्टिकली एंगल, सेम ऐसे ही y इक्वल्स टू 50 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए 60, तो z की वैल्यू आ गई है 60, y वर्टिकली अपोजिट एंगल। बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू हमने यहाँ पर तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, एक्स वाई एंड जेड की। एक्स वाई और जेड की हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर ली है। और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, थर्ड क्वेश्चन, ये y, दिस इज x, दिस इज 30 एंड दिस इज 60। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x इक्वल्स टू कितना, 60 डिग्री, y वर्टिकली अपोजिट एंगल। x इक्वल्स टू कितना, 60 डिग्री, y वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पर मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई है 60, तो अब मैं y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ट्राइंगल के तीन एंगल्स हैं मेरे पास, तो हम यहाँ पर कौन सा राइट के लिए यूज़ करेंगे,
हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स वाई प्लस थर्टी, एक्स प्लस वाई प्लस थर्टी इक्वल्स टू 180। यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्स की वैल्यू देखिए 60 है जो मैंने अभी फाइंड करी है, प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180, y प्लस इन दोनों को ऐड करिए 90 इक्वल्स टू 180, y इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 90 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आ गई है 90 डिग्री। तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे कैसे वर्टिकल या अपोजिट एंगल का यूज़ करते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग द मिसिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर देखिए, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो y इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री। यहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद देखिए y प्लस एक्स प्लस एक्स, y प्लस एक्स प्लस एक्स, फिर मैंने क्या करा, तीनों इंटीरियर एंगल को ऐड करा, इनका सम 180 होगा, क्यों होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। वाई की वैल्यू कितनी है 90 प्लस एक्स, और एक्स कितना है 2x इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू 180, 90 को उधर माइनस कर दीजिए, 2x इक्वल्स टू कितना है 90, एक्स इक्वल्स टू 90 अपॉन 2, एक्स इक्वल्स, देखिए यहाँ पर कैसे हुआ है, वाई की वैल्यू मैंने 90 फाइंड कर ली थी, एक्स और एक्स को ऐड करोगे 2x इक्वल्स टू 180, ये 90 इधर प्लस इधर माइनस करिए, 2x इक्वल्स टू 90, एक्स इक्वल्स टू 90 अपॉन 2, 2 से इसे डिवाइड करिए कितना आ गया 45 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर ली है 45 डिग्री। तो ऐसे हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करा है, एक तो वर्टिकल अपोजिट एंगल और एक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। और क्वेश्चन देखते find the value of x and y, we have to find the value of x and y। तो कैसे हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ये यहाँ पर कोई, अगर ये लाइन ऊपर तक जाती तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाता, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर आपको पता चल जाएगा ये वाई जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, वाई इज द एक्सटीरियर एंगल, और अगर वाई यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है तो ये अपोजिट में जो इसके दो एंगल है उनके सम के बराबर होगा, तो वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी 30 प्लस 45, क्यों होगी, एक्सटीरियर
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई है 75 डिग्री। वाई की वैल्यू कितनी आ गई है 75 डिग्री। लेकिन एक्स प्लस 30 प्लस 45 इक्वल्स टू 180। फिर मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन तीनों में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। एंगल सम प्रॉपर्टी एक्स प्लस 75 इक्वल्स टू 180। एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 75 तो कितना आ गया है, एक्स की वैल्यू 105 डिग्री। कितना 105 डिग्री। तो इसमें हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करा है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, देखिए इसमें मैं आपको इसी क्वेश्चन में एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पर एक तो मैंने ऑप्शन मेरे पास क्या आया था कि मैं इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर लूँ। एक ऑप्शन ये था बेटा, ये एक लाइन है, यहाँ पर ये दोनों एंगल्स हैं, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन पर जो दो एंगल बनते हैं तो वहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी रहती है, लीनियर पेयर। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, उस पर दो एंगल है, एक एक्स एक वाई है, तो हम क्या बोलेंगे लीनियर पेयर। एक्स प्लस वाई की वैल्यू इक्वल लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। मैं लिख दूंगा यहाँ पर लीनियर पेयर। एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, वाई है 75 इक्वल्स टू 180। एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 75 तो एक्स इक्वल्स टू 105 डिग्री। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस एक क्वेश्चन में हम कितनी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, देन मैंने भी आपको बताया था कि एक्स की वैल्यू मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकता हूँ, और एक्स की वैल्यू अब मैंने किससे फाइंड कर ली है, लीनियर पेयर पे। तो अगर आपको सारी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद हैं तो आपके लिए सॉल्यूशन के जो वे रहते हैं वो बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन आपके लिए बढ़ जाती है। तो आप सभी को हर मैंने बताया था हर एक पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एक पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपको मैथ में टॉपर बनना है तो यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स, प्रैक्टिस द थिंग्स डेली। यू हैव टू फॉलो योर टीचर्स डेली। मैं आपको बता रहा था कि आपको ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, लेकिन रिस्पॉन्स 4 से 5 स्टूडेंट का। तो जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इस ब्रिज क्लासेस को अकॉर्डिंग टू मी, जितने भी बच्चे अकॉर्डिंग टू मी इस ब्रिज क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, इन फ्यूचर दे विल बी अ बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड दे कैन बी द टॉपर ऑफ द क्लास इन बोर्ड क्लास। सो यू हैव टू प्रैक्टिस डेली एंड यू हैव टू फॉलो योर टीचर्स गाइडलाइंस। Thank you students, have a nice day, stay home, stay safe.